हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें हम इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था कि इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आज की डेट में। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी बहुत ज़रूरी है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके रिगार्डिंग लेजिस्लेशंस आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होती है, जैसे जैसे कंट्री मैच्योर होती है, तो वहाँ लेजिस्लेशन आते हैं और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आती हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी। अगर एक अच्छी कंपनी का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये पता चलता है कि वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट है, एक रीजनेबल लेवल की कॉम्पिटेंस उनमें है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को वो अप्लाई कर रहे हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन इतना एक्सट्रीम होने जा रहा है कि जो ऑटोमेशन इस लेवल का होने जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि टेक्टिकल लेवल और जो नीचे के लेवल हैं ऑपरेशनल लेवल्स, वो तो ऑटोमेट हो जाने चाहिए। यानी कि कंपनी में केवल स्ट्रेटेजिक लेवल बचना चाहिए, नीचे के लेवल्स ऑटोमेट हो जाने चाहिए। ऊपर का जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस लेगा, और बिजनेस जो है, जो कंपनीज हैं जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेंगी। यानी ऑटोमेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, और उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। मूर्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया है, प्रीफेस में और कई चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, जिससे कि हम ये आज की डेट में अब तक हम ये जानते हैं कि ऑटोमेशन बढ़ता चले जाएगा और डेटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और डेटा और सेंसर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और चूंकि डेटा और सेंसर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो रिस्क मैनेजमेंट बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑडिटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करता है, वो रिस्क मैनेजमेंट करता है। आज किसी एक अच्छी कंपनी में चले जाइए तो वहाँ पर रिस्क एनालिसिस होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। और जो सर्विस सेक्टर कंपनीज़ हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जहाँ पर डेटा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला गया, वहाँ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन फॉलो करेगा? सीनियर मैनेजमेंट करेगा। तो हमने ये जाना था कि रिस्क मैनेजमेंट से पहले हम क्या है कि आपके पास एसेट का कंट्रोल होना चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। किंग ऑफ ऑल एसेट जो अब बन गया है, यानी कि डेटा एसेट, उस आप क्लासिफाई करोगे तो एक डेटा एसेट होगा। टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्लासिफाई करोगे, टेंजिबल एसेट्स जो होंगे उसमें डेटा एसेट होगा, डेटा एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होगा, उसके अलावा सॉफ्टवेयर होंगे। टेंजिबल एसेट्स में पीपल, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग फैसिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन आएगा। जब आपने ये क्लासिफाई कर लिया तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि क्रिटिकलिटी के अनुसार आपने क्लासिफिकेशन किया, टॉप मैनेजमेंट टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, अनक्लासिफाइड, इस तरीके से आपने इन एसेट्स को बांट दिया। तो हमें ये प्रायोरिटी पता चल गई, कौन ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन कम क्रिटिकल है, ये हमें पता चल गया। इसके बाद थ्रेट्स हमने फाइंड आउट किए, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। वायरस आ सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, या कोई और अटैक्स हो सकते हैं, या फिर आपके सुनामी आ सकती है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जा सकती है, या इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है, या इलेक्ट्रिक की वजह से आग लग सकती है, फायर हो सकती है, या फिजिकल कोई चोर अंदर आ सकता है, कोई चोरी कर सकता है, या वायरस अंदर आ सकता है, लॉजिकली आदमी अंदर आ सकता है, फिजिकली अंदर आ सकता है। तो ये सारे के सारे रिस्क हैं और ये सारे के सारे थ्रेट्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं, थ्रेट्स हैं। तो हमने थ्रेट्स को क्लासिफाई किया। थ्रेट्स क्लासिफाई करने के बाद हम रिस्क असेसमेंट में पहुंचे, और रिस्क असेसमेंट में हमारे पास अब एसेट का क्लासिफिकेशन है, उसका क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासिफिकेशन है, थ्रेट्स के बारे में हमें पता है। तो अब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या है, क्योंकि थ्रेट्स क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, ये हमने पढ़ चुके हैं। और लाइक्लीहुड हम देखेंगे, थ्रेट की लाइक्लीहुड क्या है, अगर लाइक्लीहुड ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, लाइक्लीहुड कम है तो रिस्क कम है, और फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे। इसके बाद हमने ये जाना था कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का क्या रोल होगा, उसको कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको कोरिलेशन पता होना चाहिए इन कंट्रोल्स और इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जो रिस्क हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और हमने ये जाना था कि कंट्रोल्स किस तरह से लगाएंगे, और मतलब रिस्क को कैसे डिटरमाइन करेंगे और उसमें कंट्रोल्स कैसे लगाएंगे। तो अब रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला हमारी स्टडी में दिया हुआ गया है,
सिंपल मेथड दी हुई है रिस्क के क्वांटिफिकेशन के लिए, जो एक आइडिया दे देती है, जो आपको एक वैल्यू निकाल के दे देती है, एक साइंटिफिक तरीका आपके सामने रख देती है। तो रिस्क में क्या है कि आप वैल्यू ऑफ एसेट ले लेंगे, एसेट की क्या वैल्यू है, उसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, थ्रेट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद वनरेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज आपका ऑफिस है, उसमें सपोज इक्विपमेंट 1 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट रखा हुआ है, आईटी इक्विपमेंट 1 करोड़ उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ एसेट 1 करोड़ रुपया होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट, अगर थ्रेट सपोज 0.5 है, तो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख आ जाएगा। वनरेबिलिटी फैक्टर देखेंगे, वनरेबिलिटी फैक्टर क्या है, वनरेबिलिटी मालूम पड़ा आपका वनरेबिलिटी फैक्टर 0.5 है, या वनरेबिलिटी फैक्टर 1 है, या वनरेबिलिटी फैक्टर 1.5 है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर आपका जो बिल्डिंग है जहाँ पर वो एसेट्स रखे हुए हैं, अगर वो लकड़ी की बनी है तो वनरेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, से 2 हो जाएगा। और अगर मान लिया सपोज वनरेबिलिटी फैक्टर जो है 0.5 हो जाएगा अगर जो सीमेंट्स का बना हुआ है, अगर आपने, और भी कम हो सकता है, 0.25 हो जाएगा अगर मान लिया सपोज आपने वहाँ पर फायर सप्रेशन सिस्टम्स लगा रखे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं, ड्राई स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, ड्राई स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, या वेट स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं, जो भी स्प्रिंकलर्स लगा रखे हैं वो रिस्क को कम करेंगे। तो मालूम पड़ा अगर आपका 1 करोड़ का एसेट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट सपोज 0.25 है, तो और वनरेबिलिटी फैक्टर 2 है, तो क्या होगा, आप 1 करोड़ को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 लाख आ गया। यानी रिस्क आपका 50 लाख का रिस्क है। मतलब ये नोशनल है, ये एक तरीका दिया हुआ है कि ये इसलिए तरीका दिया हुआ है, या आप पढ़ोगे तो आपको लॉजिकली आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। आप कैसे पता करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट क्या है, वनरेबिलिटी फैक्टर क्या है? वनरेबिलिटी फैक्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक्सपीरियंस के अनुसार एक पर्टिकुलर लेवल आप रख लोगे कि वनरेबिलिटी फैक्टर ये है, भाई इतनी इतनी आग हुई थी तो इतनी इतनी जगह आग लगती है इस पीरियड में, तो ये वनरेबिलिटी फैक्टर हो गया, और फिर आप कहोगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो गया। तो ये एक्सपीरियंस के अनुसार आप इन चीज़ों को रखोगे, प्रोबेबिलिटी के अनुसार इसको रखोगे, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो हमारी स्टडी में रिस्क इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट मल्टीप्लाइड बाय वनरेबिलिटी फैक्टर दिया गया है। ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये बड़ा ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बेटर टूल्स नहीं है, हम इस सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, और इससे क्या है, हम ये देखते हैं रिस्क क्या है, इससे एक आइडिया हो जाता है हमारे पास कितने रुपए का रिस्क है। तो हमने कहा 25 लाख रुपए का रिस्क है, हमने कहा काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। अब हमने कंट्रोल्स देखना चालू किया, कंट्रोल्स की कॉस्ट देखना चालू की। तो कंट्रोल की कॉस्ट हमने देखनी चालू की, कंट्रोल की कॉस्ट क्या है, स्प्रिंकलर्स लगाने की कॉस्ट क्या है, ड्राई स्प्रिंकलर्स लगा रहे हो या वेट स्प्रिंकलर्स लगा रहे हो, या फिर आप मालूम पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रहे हो, किसके लगा रहे हो, CO2 के लगा रहे हो, हिलोन गैस के लगा रहे हो, किसके फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हो, उसकी आप पूरी कॉस्ट लोगे, और वो जो सारी की सारी कॉस्ट है वो कंट्रोल की कॉस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल की कॉस्ट और रिस्क की कॉस्ट को आप देखोगे इस तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे। तो यही एक तरीका है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का। तो हमारी स्टडी में ये दिया हुआ है कि एक ऑडिटर को कंट्रोल्स को रिव्यू करना पड़ेगा, कंट्रोल्स पर जजमेंट देना पड़ेगा, ओपिनियन देनी पड़ेगी, जजमेंट सॉरी गलत वर्ड है, ओपिनियन देनी पड़ेगी। ऑडिटर को क्या देनी पड़ती है, ओपिनियन देनी पड़ती है। इसी तरह से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ओपिनियन देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को डेटा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, और डेटा में रिस्क और वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कंट्रोल्स वहाँ पर आपको कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, यही ऑडिटर का काम है। कंट्रोल्स लगाने नहीं पड़ेंगे, कंट्रोल्स मैनेजमेंट को लगाने पड़ेंगे, ऑडिटर को देखना पड़ेगा सही तरीके से कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे, और फिर उसे ये देखना पड़ेगा रिस्क क्या है। तो एक तरीका होगा साइंटिफिक तरीका जो हमने बताया, उससे हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे और फिर कंट्रोल्स की कॉस्ट देखेंगे। अगर मान लिया सपोज वायरसेस हैं, वायरसेस कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से एंटीवायरस लगाओगे। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देखोगे, अगर कंट्रोल्स रिस्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, अगर आप कंट्रोल्स इतने आपने एक एंटीवायरस लगा लिया, एंटीवायरस लगा लिया आपने, बहुत बड़े एंटीवायरस लगाया, और क्या कहते हैं आपका रिस्क
कोई रिस्क, आपने साल दो साल देखा कोई रिस्क नहीं है। तो यानी कंट्रोल्स ने जितना एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है उससे नीचे वो लेकर आया, इम्पैक्ट को नीचे लेकर आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्स, अगली बार आप एंटीवायरस खरीदोगे तो थोड़ा सा कम कॉस्टली एंटीवायरस खरीद सकते हो। तो मतलब फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट की सोच क्या है, मैनेजमेंट की इच्छा क्या है। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट कहता है इतना महंगा क्यों लें हम एंटीवायरस, सस्ता वाला भी तो काम करता है। कई मैनेजमेंट इस तरीके से रिस्क को मैनेज करता है। जो अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा वो देसी स्टाइल अपनाएगा, और देसी स्टाइल में वो कई बार क्या होता है कि देसी स्टाइल अपना के बोलेगा यार ये इतना महंगा क्यों लगा रहे, इसको थोड़ा सा सस्ता लगाओ। तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं होगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पर कम लोग काम करते होंगे, वो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी, डिपार्टमेंट होगा, तो हर चीज़ का लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप ये मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करके आप ये बोल सकते हैं कि रिस्क बहुत कम हो गया, एक्सेप्टेबल लेवल ये है, और इस एक्सेप्टेबल लेवल से ये रिस्क कम हो गया। तो जो है हम कंट्रोल्स जो है उसी के हिसाब से लगाएंगे, उतने लगाएंगे। तो यानी कि अगर एक कंट्रोल रिस्क को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, जरूरत से ज्यादा रिड्यूस कर देता है, ये उल्टी बात है। अगर एक कंट्रोल रिस्क को जरूरत से ज्यादा रिड्यूस कर देता है तो आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे, आप कम कॉस्टली कंट्रोल्स लगाओगे। अगर कोई कंट्रोल जो है रिस्क को रिड्यूस नहीं करता है सफिशिएंटली, जितना मैनेजमेंट चाहता है, जितना मैनेजमेंट का एक्सेप्टेबल लेवल है, जितनी मैनेजमेंट की रिस्क एपेटाइट है, उस तक अगर वो रिड्यूस नहीं करता है तो आपको एडिशनल कंट्रोल्स लगाने पड़ सकते हैं, डिफरेंट कंट्रोल्स लगाने पड़ सकते हैं, वहाँ पर कॉस्ट खर्च करनी पड़ सकती है, आपको वहाँ खर्च करनी पड़ सकती नहीं, करनी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट ने ये कॉस्ट वहाँ पर इनकर नहीं कर रहा है तो ऑडिटर ओपिनियन देगा, पहले तो ऑडिटर ओपिनियन देगा कि कंट्रोल सफिशिएंट्स नहीं है, जिस लेवल का रिस्क होना चाहिए उस तरीके से कंट्रोल्स नहीं है। कंट्रोल्स कई जगह क्या होता है कि कई जगह क्या होता है रिस्क को आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट लगा देते हो। तो जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हो तो वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोल्स आपके उस लेवल तक रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पा रहे। और अगर ऑप्टिमल लेवल पर तक रिस्क रिडक्शन कर देता है कोई कंट्रोल तो वो बेस्ट है, उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने पिछले सेशन में भी ये पढ़ा था, कंट्रोल्स वर्सेस रिस्क के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि थ्रेट कोई वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट तो नहीं करता, और वनरेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को एक्सपोज तो नहीं करती किसी लॉस से, कौन से लॉस से, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पेयर तो नहीं करती। और अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पेयर करती है तो उससे बिजनेस इम्पैक्ट आ सकता है, बिजनेस इम्पैक्ट आ सकता है तो हमें सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे। सेफगार्ड्स क्या करेगा, थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, थ्रेट्स से हमें प्रोटेक्ट करेगा, थ्रेट्स को प्रोटेक्ट नहीं, थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक सर्कल है, थ्रेट्स वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को एक्सपोज कर देता है वो लॉस के लिए, और लॉस किस टाइप का होगा, सिक्योरिटी लॉस हो सकता है या दूसरा लॉस हो सकता है। लॉस में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी इम्पेयर होती है, और जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। अगर सिस्टम आपको अवेलेबल ही नहीं है, बैंक है मालूम पड़ा उसमें डेटा अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, अवेलेबिलिटी खत्म होगी तो बैंक खत्म, तो लॉस हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पेयर नहीं करना चाहिए, उससे क्या है पोटेंशियल लॉस हो जाता है। बैंक है या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे मेडिकल कंपनी है, वो दवाइयाँ बना रही है, रिसर्च कर रही है, उसका डेटा किसी के पास आ जाए तो वो पोटेंशियल बिजनेस इंपैक्ट आ जाता है। तो उसके लिए सेफगार्ड लगाने पड़ते हैं, और सेफगार्ड क्या है, थ्रेट से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली यही साइकिल एक रिस्क असेसमेंट साइकिल है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर सीनियर मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट्स को कई जगह पर ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि वो पुराने होते हैं, ट्रेनिंग नहीं हुई होती उनकी, और चूंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीका नहीं पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट करने का। सर रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल नहीं बना पाते हैं। रिस्क प्रोफाइल क्या हुई, ये रिस्क हैं, ये थ्रेट्स हैं, ये एसेट्स हैं, ये क्रिटिकलिटी है, ये थ्रेट्स हैं, ये वल्नरेबिलिटी है, ये लाइकलीहुड है, और ये इम्पैक्ट हो सकता है, और ये रिस्क हमने कैलकुलेट कर दिया
मैथमेटिकली ये रिस्क कैलकुलेट कर दिया। अब मैथमेटिकली ये रिस्क कैलकुलेट कर लिया तो ये हमने कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स लगा दिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिस्क है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर आग का खतरा नहीं है, आप साइबेरिया में रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत कम आग का खतरा होता है, साइबेरिया में अगर कोई आप इंस्टीट्यूशन बना रहे हो साइबेरिया के रेगिस्तान में जहाँ पर ठंडा बहुत होता है, जहाँ टेम्परेचर, या अगर सियाचिन ग्लेशियर में कहीं पर कोई, वैसे तो वहाँ नहीं बनेगा लेकिन सोचो सियाचिन ग्लेशियर में आप एक डेटा सेंटर बना रहे हो और वहाँ पर आप ड्राई फायर स्प्रिंकलर और ये और फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हो तो बहुत बेकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि -50 डिग्री में आग लगना ही पॉसिबल नहीं, इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं आएगा। आग लग जाए तो आप आग लगाने की कोशिश ही करोगे तो वहाँ आग नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ वायरस आ सकता है, एंटीवायरस आ सकता है। अच्छा एंटीवायरस, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपके लगें तो फिर आपको, अगर अच्छा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और फायरवॉल लगाए तो आपको एंटीवायरस आप लगाओगे तो आप वहाँ पर थोड़ा सा कम कॉस्टली एंटीवायरस लगा सकते हो, क्योंकि आईडीएस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, फायरवॉल ऑलरेडी लगी, आजकल फायरवॉल में भी ऑलरेडी एंटीवायरस आता है, पैकेज्ड आता है, इवन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पैकेज्ड आती हैं। तो ये सारी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी पड़ेगी और उसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप रिस्क असेसमेंट करोगे। तो बेसिकली अगर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रिस्क है वो आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेबल और रेजिडुअल रिस्क, और दूसरा ये कह सकते हो रिस्क जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम कंट्रोल करेंगे। एक्सेप्टेबल और रेजिडुअल रिस्क, दो तरीके का रिस्क हो सकता है। एक हो सकता है कि ऐसा एक्सेप्टेबल रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है इसे कंट्रोल नहीं करना है, छोटे छोटे रिस्क हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करते, और एक ऐसा रिस्क हो सकता है जैसे पहले सुनामी आने से पहले ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह नदी के किनारे बनता था तो वो सुनामी के बारे में सोचता ही नहीं था, ज़्यादा सोचता नहीं था, वो एक्सेप्टेबल रिस्क मानता था, उसे वो डिज़ायर नहीं थी कंट्रोल करने की। दूसरे होते हैं रिस्क बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो, इवन सुनामी भी कई बार रिस्क बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि सुनामी आई वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद अगर सुनामी आई और वहाँ पर हमने चीज़ें वो रोकने के लिए कोई दीवार भी बना रखी है तो भी उसके ऊपर आ सकती है, अगल बगल से वो पानी आ सकता है, क्योंकि सुनामी की फोर्स इतनी ज़्यादा होती है। तो आप उस जगह पर जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हो तो वहाँ पर बनाओगे ही नहीं, तट से कुछ दूर बनाओगे ताकि सुनामी आए तो बचा जा सके। तो यानी कि बनाने से पहले हम उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जगह को इंटेलिजेंटली ढूंढ कर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस में रिस्क बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, 100% बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तो जो एक्सेप्टेबल या रेजिडुअल रिस्क कौन सा है, जो बच जाता है, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या रेजिडुअल रिस्क जो है बच जाता है, तो या उसे हम कंट्रोल करने की नहीं सोचते हैं, हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, बाकी को हम रिस्क को रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अनुसार कंट्रोल करते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि रिस्क क्या है, रिस्क को हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे। हम रिस्क को क्वांटिफिकेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, और रिस्क को क्वांटिफिकेशन करने की हमारे पास मेथड्स नहीं है, तो एक सिंपल फॉर्मूला हमारे स्टडी में दिया है, रिस्क को हम वैल्यू ऑफ एसेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी, थ्रेट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइकलीहुड कितनी बार थ्रेट हो सकता है, और फिर उसे वल्नरेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमें मोटे तौर पर एक रिस्क की वैल्यू आ जाएगी। और उसके रिस्क की वैल्यू को मानकर, उसको मानकर, ध्यान दीजिए, उस रिस्क को मानकर, वो रियल रिस्क नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप तकरीबन आप उससे एक वैल्यू मिल जाती है आपको, जिसके अनुसार फिर आप आगे के डिसीजंस ले सकते हो, तो फिर उसके हिसाब से आप कंट्रोल्स लगाओगे। तो रिस्क जो है वो जीरो नहीं किया जा सकता, और रिस्क हायर मैनेजमेंट देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट देखेगा, और रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, और इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क प्रोफाइल को जान सके, और फिर रिस्क प्रोफाइल जान के उसे एक्सेप्टेबल रिस्क को जानना पड़ेगा।
और एक्सेप्टेबल रिस्क को जानकर एक सिस्टमेटिक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, और फिर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। यानी रिस्क मैनेजमेंट करने से पहले आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, और रिस्क असेसमेंट करने से पहले आपको अपने थ्रेट की स्टेटस, एसेट्स की स्टेटस, एसेट की क्रिटिकलिटी पता होनी चाहिए। तो जब आप रेजिडुअल रिस्क देख रहे होंगे, अब रेजिडुअल रिस्क, हम रेजिडुअल रिस्क की काफ़ी बात कर रहे हैं, तो रेजिडुअल रिस्क टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल या रेजिडुअल रिस्क है, तो आप ऑडिट करोगे इस एक्सेप्टेबल या रेजिडुअल रिस्क को। तो कैसे इस रेजिडुअल रिस्क को देखोगे? आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी देखोगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट करोगे, उसके बाद रिस्क असेसमेंट अप्रोच में क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं वो देखोगे, उसके बाद कंट्रोल की कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे, कॉस्ट और इफेक्टिवनेस देखोगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं वो कंट्रोल्स। तो कहने का मतलब ये, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सबसे पहले देखोगे, आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन दो बैंक हैं, एक सरकारी बैंक है और एक बैंक है HSBC, HSBC कहता है कि ATM हर समय चलना चाहिए, 24 घंटे, ATM कभी एक मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। सरकारी बैंक कहता है ATM आधे घंटे रुक जाए अगर हफ्ते में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पर रिस्क की एक्सेप्टेंस में डिफरेंस आ गया, और ये रिस्क की एक्सेप्टेंस में डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज अलग अलग है। तो ऑडिटर के रूप में आप जब ऑडिट कर रहे होगे तो आप ये देखोगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या है, और उसी के अनुसार रेजिडुअल रिस्क डिटरमाइन करोगे, वो रेजिडुअल रिस्क सही तरीके से डिटरमाइन किया गया है कि नहीं दिया गया है। उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करना और मेजर करोगे कि रिस्क कैसा है। अगर रिस्क बहुत कम रिस्क है, अगर मान लिया सपोज आपके कंपनी में एक दो चीज़ें हैं, एक डेटाबेस सर्वर है और एक मालूम पड़ा नॉर्मल लैपटॉप है, लैपटॉप अगर कुछ खो गया या कुछ हो गया कि कोई प्रॉब्लम आ गई, वैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि इफ़ योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट, क्योंकि वो डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को समझते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सच में एक सही ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ इस तरीके की पॉलिसी होती है, क्योंकि डेटा आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंपनी में डेटा की वैल्यू को समझा जाता है। इफ़ योर डेटा इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट, मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से वैल्यू देखी जाती है। तो वो क्या वैल्यू लग रही है, एक चीज़ तो ये पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इंपॉर्टेंट, दूसरा रिस्क को आइडेंटिफाई और मेजर करोगे। तो आप ये देखोगे लैपटॉप अगर खो गया तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये नहीं है लैपटॉप इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट, तो आप ये देखोगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर तो लैपटॉप जो है वो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से कुछ हो गया तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर्वर अगर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पर कोई सर्वर में कुछ डिलीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई या अवेलेबल रह गया, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मेज़रमेंट करोगे और फिर देखोगे कि अनसर्टेनिटी क्या है, क्योंकि रिस्क में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है कि कितनी अनसर्टेनिटी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आने की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, लेकिन बहुत कम आता है, रेयर आता है, और आता है तो जैसे नेपाल में आ गया बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन जनरली हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग किसी एरिया में मर जाएं, ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइकलीहुड कम होता है। तो ये अनसर्टेनिटी देखोगे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखोगे। तो जैसे एक आग जो है वो डेटा सेंटर को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है, तो आप ये देखोगे कोई दूसरा डेटा सेंटर नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई वेयर हाउस है, अगर स्टील का वेयर हाउस है और स्टील का सामान रखा है और वो पूरा सीमेंट का बना हुआ है, तो वहाँ पर रिस्क, आग लगने का रिस्क लग भी जाए तो क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका स्टील का आइटम है उसमें आग क्या लगेगी, क्या जलाएगा आग। लेकिन अगर डेटा सेंटर है वहाँ पर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप फैसिलिटी की ससेप्टेबिलिटी देखोगे, फैसिलिटी किससे बनी हुई है, हार्डवेयर मीडिया तो ससेप्टेबल होता ही होता है, इनहेरेंट वनरेबिलिटी होती है, यानी कि आपका बिल्डिंग जो फैसिलिटी है वो लकड़ी की बन सकती है, वो सीमेंट की बन सकती है, लेकिन जो हार्डवेयर और मीडिया तो वनरेबल होता है, वो तो जल सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखोगे,
मतलब रिस्क को देखोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स का रिस्क क्या है, बिजनेस के डिस्ट्रप्शन का रिस्क क्या है, कस्टमर के लॉस का क्या रिस्क है, अगर आप BPO CPO और तो वहाँ पर कस्टमर जा सकता है, और आपके पास एक आधी कस्टमर है तो मालूम पड़ा आपका BPO बंद हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी स्टडी में दी गई हैं, और ये रिस्क मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो ये इन चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और टॉप मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और टॉप मैनेजमेंट चीज़ों को इनको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने एसेट को तो क्लासिफाई कर दिया, मतलब इनटेंजिबल टेंजिबल एसेट, फिर एसेट को आपने क्रिटिकलिटी के अनुसार भी क्लासिफाई कर लिया, फिर उसके बाद थ्रेट्स के बारे में भी जानकारी ले ली, उसके बाद रिस्क असेसमेंट स्टार्ट किया और उसमें वनरेबिलिटी और लाइकलीहुड देखा, इम्पैक्ट देखा, और वहाँ पर ये देखा थ्रेट्स जो हैं नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको भी आपने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद आप फाइनली जो है आपने स्ट्रेटजीज़ को क्लासिफाई किया कि रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी है, या रिस्क को ट्रांसफ़र करने की स्ट्रेटजी है, या रिस्क की एक्सेप्टेंस की स्ट्रेटजी है, या रिस्क की अवॉइडेंस की स्ट्रेटजी। इस तरह से आपने रिस्क को स्ट्रेटजी को भी डिवाइड किया। अब हमने कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल्स को भी हम डिवाइड करेंगे। कंट्रोल्स कई टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, डायरेक्टिव कंट्रोल भी होते हैं। तो कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कंट्रोल्स, हमने ये जाना कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, और कंट्रोल्स कैसे लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि कंट्रोल्स ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। तो रिस्क जब आपने आइडेंटिफाई किया तो कंट्रोल्स को आपने इवेल्युएट किया, या फिर आपने इवेल्युएट करने के बाद आपने देखा ये कंट्रोल सही नहीं है तो नए कंट्रोल्स डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो नए कंट्रोल्स डिज़ाइन करेगा। ऑडिटर बताएगा कि भैया ऐसा है कि आपके कंट्रोल्स इनफेक्टिव है, उन और जो कंट्रोल्स हैं उनको इवेल्युएट करेगा, और वो ये कह सकता है कि जी बढ़िया कंट्रोल्स लगाओ, और ये भी कह सकता है नए कंट्रोल्स लगाओ, क्योंकि वो ये कह सकता है कि 4-5 साल से ये कंट्रोल्स लगे हैं, जो एंटीवायरस लगा हुआ है, वैसे तो एंटीवायरस अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, लेकिन फायरवॉल अपने आप को ऑटोमेट करती है और अपडेट करती है, तो आप ये कह सकते हो जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है किसी पर्टिकुलर कंट्रोल्स, लॉजिकल कंट्रोल्स के लगा हुआ है, वो 4 या 5 साल से अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि आपके यहाँ सिस्टम 4-5 साल पुराना है, आपका सॉफ्टवेयर 4-5 साल पुराना है, तो कंट्रोल्स जो हैं वीक हैं आपके, या आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो पड़ा हुआ है ये एक्सपायरी डेट हो गई है, इसमें स्प्रिंकलर्स हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप इन कंट्रोल्स को इवेल्युएट करोगे और नए कंट्रोल्स लगाने के लिए कह सकते हो। कई जगह पर नए कंट्रोल्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, और उससे आप रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक मिटिगेट करने की कोशिश कर सकते हो। दो चीज़ें ध्यान दीजिए फिर से, रिस्क को आप मिटिगेट कर रहे हो, एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, और रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ रहे हो। रिस्क एपेटाइट मैनेजमेंट ने ये एक्सेप्टेबल लेवल अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार डिटरमाइन किया है। तो बेसिकली कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स क्या हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, और ये पर्टिकुलर पॉलिसीज, कंट्रोल्स क्या होते हैं, या तो पॉलिसीज होंगी, या प्रोसीजर्स होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी, या कोई एक टेक्निकल चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर रहे होगे, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जो कि एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कंट्रोल्स 100% एश्योरेंस नहीं देता है। अगर कंट्रोल 100% एश्योरेंस देता तो आपको कंप्लायंस ऑडिट के बाद सब्सटेंटिव चेकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब्सटेंटिव चेकिंग करते हैं आपकी, क्यों चेकिंग करते हैं, कंप्लायंस चेक करके ही आप निकल जाते। तो कंट्रोल्स रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 100% एश्योरेंस नहीं देता है, इसीलिए आप सब्सटेंटिव चेकिंग भी करते हो। तो कंट्रोल्स क्या देगा आपको, एक रीजनेबल एश्योरेंस देगा, 100% एश्योरेंस नहीं देगा, और इसी वजह से जो है आप कंप्लायंस टेस्ट करते हो, कंप्लायंस टेस्ट के बाद सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करते हो। मतलब अगर कंट्रोल्स एक लेवल तक हैं तो कई जगह पर आपकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है। तो कंट्रोल्स क्या देखता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है, 100% एश्योरेंस नहीं लेता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अनडिजायरेबल इवेंट्स को रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, अनडिजायरेबल इवेंट्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं और करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्ट कर रहे हैं डिटेक्टिव कंट्रोल, और करेक्ट कर रहे हैं करेक्टिव कंट्रोल। यानी कि कंट्रोल्स किस टाइप के हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंट्रोल और डायरेक्टिव कंट्रोल। तो पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होती हैं, और पॉलिसीज,
प्रोसीजर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तरह से डायरेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए डायरेक्ट कर रहे होते हैं। पॉलिसीज़ क्यों बनती हैं कि क्योंकि गोल कॉन्ग्रेंस क्यों लाई जाती है, गोल कॉन्ग्रेंस इसलिए लाई जाती है ताकि डायरेक्ट किया जाए आपको एक तरफ दौड़ने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों को एक तरफ दौड़ने के लिए, एक तरफ मूव करने के लिए डायरेक्ट किया जाए। तो कंट्रोल्स को हम ये डिफाइन करते हैं पॉलिसीज प्रोसीजर प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रीजनेबल एश्योरेंस देंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। और ये पॉलिसीज प्रोसीजर प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स कहलाएंगे, ये डायरेक्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ कंट्रोल क्या करते हैं कि अनडिजायर्ड इवेंट प्रिवेंट होगा, डिटेक्ट होगा, करेक्ट होगा। यानी कि अनडिजायर्ड इवेंट प्रिवेंटिव कंट्रोल से प्रिवेंट होगा, डिटेक्टिव कंट्रोल से डिटेक्ट होगा, करेक्टिव कंट्रोल से करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल्स में ही टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स की डेफिनेशन अगर आप ठीक तरह से देखेंगे उसमें ही टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डायरेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। तो जो डायरेक्टिव कंट्रोल्स क्या हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। वो कौन से हैं, पॉलिसी प्रोसीजर प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज सबसे ऊपर होती हैं, प्रोसीजर्स उसके नीचे होती हैं, प्रैक्टिसेस उसके नीचे होती हैं। मतलब पॉलिसीज को प्रोसीजर्स वायलेट नहीं कर सकते हैं, प्रोसीजर्स को प्रैक्टिसेस वायलेट नहीं कर सकते हैं। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है जिसकी तरह से कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं, ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, 100% एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। तो पहला तो डायरेक्टिव कंट्रोल हो गया। कंट्रोल्स की डेफिनेशन में पहला कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्टिव कंट्रोल हो गया। कंट्रोल की डेफिनेशन में दूसरे कंट्रोल जो हैं वो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल होते हैं। ये क्या करते हैं, अनडिजायर्ड इवेंट को नहीं होने देते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल अनडिजायर्ड इवेंट को प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल अनडिजायर्ड इवेंट को डिटेक्ट करते हैं, और करेक्टिव कंट्रोल्स अनडिजायर्ड इवेंट को करेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कंट्रोल्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हो गए। तो यानी कि इन्हीं कंट्रोल्स के थ्रू, डिटेक्टिव कंट्रोल्स के थ्रू, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के थ्रू, डायरेक्टिव कंट्रोल्स के थ्रू, करेक्टिव कंट्रोल्स के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट के दिमाग में होने चाहिए। और टॉप मैनेजमेंट के दिमाग में अगर इनकॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट है तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, या वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ बैठे हुए हैं। टॉप मैनेजमेंट में कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, वो कहीं पर नहीं, वो इन कंट्रोल्स को लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंट्रोल लगे, बाकी ऐसा है कि कई जगह पर वो कंट्रोल लैक्स करने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है। आइदर वो कहीं से कुछ फ्रॉड या कुछ पैसा कमा रहे होते हैं, या फिर वो अपनी नौकरी बचा रहे होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरी नौकरी बच जाए। और नौकरी तब तक बचेगी जब तक सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी। अगर कुछ चीज़ें अनस्ट्रीमलाइंड रहेंगी तो उनकी ज़रूरत महसूस होगी, चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी आ गई होती है।